नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आपको कार में, बस में, प्लेन में, शिप में, बोट में बैठने में बहुत घबराहट होती है, वोमिटिंग जैसा लगता है, उल्टी जैसा लगता है और चक्कर आते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किन्हीं लोगों को इस तरह के ट्रांसपोर्ट पर बैठने में वोमिटिंग क्यों होती है, घबराहट क्यों होती है और उसमें पेशेंट को क्या सिम्टम्स आते हैं, उसको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या प्रिवेंशन करना चाहिए और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब लोगों को यात्रा के दौरान वोमिट जैसा लगता है, उल्टी जैसा लगता है, घबराहट होती है, चक्कर आता है, तो इस तरह की बीमारी को मोशन सिकनेस, ट्रेवल सिकनेस या सी सिकनेस कहते हैं। वैसे तो इसके कारण अननोन है, लेकिन एक थ्योरी है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। दोस्तों, इसमें होता यह है कि हमारे शरीर के जो डिफरेंट हिस्से हैं वो हमारे ब्रेन को अलग अलग तरह के सिग्नल्स देते हैं, उससे ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और इस तरह की समस्या, मतलब मोशन सिकनेस की समस्या हो जाती है। हम इसको इस तरह से समझते हैं कि यदि मान लीजिए आप एरोप्लेन में बैठे हैं और एरोप्लेन मूव कर रहा है, तो आपकी बॉडी या ब्रेन को सिग्नल दे रही है कि आप मूविंग कंडीशन में हो, लेकिन आप एक जगह बैठे हो, इसलिए जो आपकी आईज हैं वो ब्रेन को सिग्नल दे रही हैं कि आप मूविंग कंडीशन में नहीं हैं। ऐसे ही आपके बॉडी के दूसरे हिस्से जैसे कान भी ब्रेन को सिग्नल देता है कि यू आर इन अ मूविंग कंडीशन, तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है और इस तरह के सिम्टम्स बॉडी में आने लगते हैं, जैसे कि चक्कर आना या उल्टी होना। यहाँ पर अब हम इसके सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। इसमें नंबर वन सिम्टम तो यह है कि पेशेंट को उल्टी जैसा लगता है और पेशेंट को उल्टी हो भी जाती है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, उसको बंद कमरे में घबराहट ज़्यादा महसूस होती है, वो चाहता है कि कार के या बस के खिड़की दरवाजे खुले रहें जिससे उसको हवा आती रहे, और पेशेंट को इसमें साथ में हेडेक भी मिलता है। हेडेक उसको वन साइडेड भी हो सकता है या पूरे सर में भी उसको दर्द हो सकता है, और दर्द का जो कैरेक्टर होता है वो लगता है कि उसके सर में कोई हथौड़े मार रहा है। इसमें एक चीज़ और है कि पेशेंट को कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, उसको कुछ खट्टा या ठंडा खाने की इच्छा होती है जिससे उसकी घबराहट थोड़ी कम हो जाए। इस तरह के पेशेंट को एक चीज़ और देखी गई है कि यदि कोई स्मोक कर रहा है बगल में, तो उसको टोबैको की एलर्जी होती है और उसको पेट्रोल और डीजल की बदबू भी सहन नहीं होती है। यहाँ पर अब मैं कुछ उपायों के बारे में बताऊँगी जिससे बिना दवाई के भी आपकी मोशन सिकनेस की शिकायत को आप बहुत हद तक कम कर सकते हो। दोस्तों, इसमें नंबर वन पे है कि जब पेशेंट कार, बस या प्लेन या बोट या शिप में सफ़र करता है, तो उसको लैपटॉप या मोबाइल का यूज़ नहीं करना चाहिए। नंबर टू, पेशेंट को बहुत खाली पेट भी नहीं बैठना चाहिए जर्नी करते वक्त, और बहुत भरे पेट भी नहीं होना चाहिए। नंबर तीन, पेशेंट को अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, वह नींबू पानी भी ले सकता है, उससे उसको आराम मिलेगा। इसमें एक चीज़ और देखी गई है, यदि पेशेंट फ्रंट सीट पर बैठता है तो वो भी उसको मोशन सिकनेस की उसकी तकलीफ कम हो जाती है। और इसमें एक चीज़ और देखी गई है कि पेशेंट को हमेशा जर्नी करते वक्त सामने की तरफ देखना चाहिए, यदि वो साइड की विंडो से देखता है तो मूविंग आर्टिकल्स दिखते हैं, उससे उसकी यह तकलीफ, मोशन सिकनेस की तकलीफ बढ़ जाती है। यहाँ पर अब हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन है कॉकुलस इंडिका। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को सफ़र के दौरान उल्टी जैसा लगता है, घबराहट होती है, उसका सर दुखता है, तब यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इसमें पेशेंट को खाने की स्मेल से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, या पेट्रोल डीजल या कोई स्मोक कर रहा है उससे भी उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, और पेशेंट का साथ में हेडेक होना भी शुरू हो जाता है। तब यदि इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो यह दवाई बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इसको आपको लेना कैसे है, जब भी आप किसी जर्नी पर जा रहे हैं तो उस जर्नी के स्टार्ट होने के एक घंटे पहले आप कॉकुलस इंडिका 30 का एक डोज़ ले लें, और उस कार में या बस में बैठते वक्त आप एक डोज़ ले लें।
तो यह मेडिसिन बहुत अच्छा रिजल्ट देगी दोस्तों। इस कड़ी में दूसरी मेडिसिन है इपिकॉक। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को नोशिया फील होते होते उल्टी हो ही जाती है, उसका पूरा खाना निकल जाता है और उसकी उल्टी बंद ही नहीं हो रही हो, पेशेंट को बहुत वीकनेस फील हो रही हो, उसके पेट में दर्द हो रहा हो, यदि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो इपिकॉक बहुत अच्छा काम कर सकती है दोस्तों। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपके मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो माई चैनल। थैंक यू।